बिहार के आरा में ईवीएम सुरक्षा में तैनात एक सिपाही ने खुद के इंसास राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया है। घटना नवादा थाना क्षेत्र के कृषि भवन में ईवीएम सुरक्षा के लिए बने गार्ड रूम की है। मृत सिपाही पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र के सहरी गांव निवासी शिव पासवान का 27 वर्षीय पुत्र हेमंत कुमार था। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। भोजपुर डीएम राजकुमार व एसपी प्रमोद कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंच मामले की पड़ताल में जुटे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सिपाही हेमंत कुमार को भोजपुर पुलिस के द्वारा चुनावी ड्यूटी में लगाया गया था। कृषि भवन को वीवीपीएटी गोडाउन बनाया गया था, जहां लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षित ईवीएम रखा गया है। हेमंत कुमार के अलावे भी दो और सिपाही इस ड्यूटी में थे, लेकिन एक छुट्टी पर था, दूसरा सब्जी लाने बाजार गया था। वापस सिपाही जब आया तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, जिसके बाद खिड़की के सहारे लिया गया तो देखा कि रूम में बहुत खून बहा हुआ है और हेमंत कुमार जमीन पर गिरा है। सिपाही तुरंत वरीय पदाधिकारी को इस घटना की जानकारी दिया, जिसके बाद एसपी प्रमोद कुमार, डीएम राजकुमार व अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर देखा गया कि हेमंत कुमार के पास में उसकी राइफल पड़ी है और उसके सिर में गोली लगी है। चुनावी ड्यूटी में साथ देने वाली सिपाही ने बताया कि हेमंत कुमार की अप्रैल महीने में शादी होने वाली थी और कुछ दिनों से वो मानसिक रूप से परेशान रह रहा था। कारण क्या था ये हमें जानकारी नहीं है। मृतक के परिजन पहुंचेंगे तो पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद हम पहुंचे और सारे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी करा ली गई है। मृतक के साथी सिपाही के द्वारा बताया गया कि मृतक कुछ दिनों से गुमसुम रहता था। आत्महत्या के कारणों का पता किया जा रहा है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिवार के लोग आएंगे तो इस स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कारण है। अभी सिपाही के शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि नवादा थानाध्यक्ष के द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि नवादा थाना अंतर्गत कृषि भवन में रखे गए सुरक्षा में तैनात एक सिपाही संख्या 151 हेमंत कुमार, जो मूलतः मुकम्मा के रहने वाले हैं और भोजपुर जिला बल के 2018 में सिपाही हैं, इनकी डेड बॉडी इनके रूम में पाई गई तथा अंदर से लॉक किया हुआ था और खिड़की देखने से ज्ञात हुआ कि इनकी डेड बॉडी काफ़ी खून फैला हुआ है तथा इंसास राइफल उनके शरीर के पास पड़ी हुई है। एक खोखा उनके इंसास राइफल का पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही स्वयं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, जिला पदाधिकारी राजकुमार और अन्य वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तथा विधिवत प्रक्रिया के तहत रूम को खोलकर प्राथमिक जांच किया गया और साथ वाले एक सिपाही से पूछने पर ज्ञात हुआ कि सिपाही सब्जी लेने गया था, तभी सिपाही हेमंत ने शायद अपने से ही गोली मार ली। सिपाही के द्वारा बताया गया कि हेमंत की अप्रैल में ही शादी होने वाली थी और दो तीन दिन से हेमंत काफ़ी गुमसुम और परेशान रहता था। यह घटना दुर्घटना बस घटी है या आत्महत्या की गई है, इसकी प्राथमिक तौर पर अभी जांच की जा रही है और सिपाही के घर वालों को सूचित करते हुए पोस्टमार्टम तथा आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कि यहाँ पे भोजपुर में भोजपुर जिला बल के एक सिपाही संख्या 151 हेमंत कुमार, जो यहाँ पे कृषि भवन में जो ईवीएम से रखे हैं, ईवीएम सुरक्षा में तैनात थे और नवम्बर से इनका यहाँ पे पदस्थापन था और अभी शाम को यहाँ पे तीन सिपाही रहते हैं, एक छुट्टी में थे और एक मोटर कुछ ख़राब थी, गए थे कुछ आवेदन देने के लिए और सब्जी वगैरह लेने के लिए गए थे और हेमंत कुमार अपने रूम में ही यहीं पर थे और उसके बाद दूसरा सिपाही जब बाहर से आते हैं तो देखते हैं कि गेट बाहर अंदर से लॉक है और किसी तरीके से बाहर वाला गेट खोलकर आते हैं तो रूम का गेट देखते हैं, अंदर से लॉक है और खिड़की खुली रहती है। खिड़की से झाँक के देखते हैं तो अंदर से जैसे गोली अपने से मारी हुई प्रतीत होती है और उनका जो है डेड बॉडी टाइप पर नीचे पड़ा हुआ था और उसके बाद उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को सूचना दिया। सबसे पहले थानाध्यक्ष नवादा एएसपी सदर और पहुँचे और उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर और उसके बाद मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ पर हैं। आगे हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया, प्रथम दृष्टया इसको पूरी वीडियोग्राफी की गई है और प्रथम दृष्टया जो पूछताछ जो सिपाही हैं उनसे पूछने पर यही पता चल रहा है कि इनकी 21 अप्रैल को शादी पड़ी हुई थी और थोड़ा सा गुमसुम भी रहते थे। अब इसका क्या कारण रहा है आत्महत्या का या जो भी अभी रीज़न है, हम लोग अभी प्राथमिक तौर पर इसकी जांच कर रहे हैं तो यदि आगे जांच के बाद ही पता चलेगा। इनके फैमिली वालों या जो भी इनके रिलेटिव हैं उनसे बात करने के बाद ही ज्ञात होगा कि ये गोली अपने से मारने का क्या कारण रहा है। तो ये भी जांच चल रही है और आगे की जो भी प्रक्रिया है पोस्टमार्टम वगैरह वो अभी संपन्न कराई जाएगी। उनकी फैमिली जी सर और जो इंसास राइफल थी इनकी खुद ऊँची से गोली जो है चली है अपने से और उसका जो खोखा है वहीं पर बगल में ही गिरा हुआ है और इनकी फैमिली को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम की आगे की संगत प्रक्रिया अभी अपनाई जाएगी और इसके अलावा जो भी इसमें जांच होगा अगर कोई सामने बात आएगी तो आगे अनुसंधान में।